तो सबसे पहले 2 कप चने की दाल ले लेंगे। चने की दाल को हम मिक्स में पीस लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे। थोड़ा सा दानेदार होगा, लेकिन जब ये एक पनीर की शेप में आ जाएगा तो बहुत ही यमी लगेगा, टेस्टी लगेगा। अब हम इस पाउडर को इस मिक्सी में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही, जो कि इसको बहुत ज़्यादा मुलायम बनाएगा, बहुत ही स्पॉन्जी सा ये पनीर बनता है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, तीनों चीज़ें मिलाकर। और इसमें साथ में हम डालेंगे अदरक, लहसुन, कसूरी मेथी, हरी मिर्च और जीरा। ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें डाल देनी है। ये मिक्सचर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब हमने किसी बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लगा देना है और इस बैटर को डाल दीजिए। तो मैंने 2 मोल्ड में ये बैटर निकाल लिया। अब इसको बेक होने के लिए रखना है हमें। दिस इज़ अप टू यू कि आप इसको कढ़ाई में भी पका सकते हो, ओवन में भी, और इसको 20 से 25 मिनट तक हमने बेक करना है। जब तक हमारा बैटर बेक होता है, तब तक हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सरसों का ऑयल लिया है मैंने, और इसमें अब हम डालेंगे तेज पत्ता, थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च और जीरा। तो इसको हम थोड़ा सा छोटी इलायची डाल के भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अब हम इसमें थोड़े से काजू डालेंगे इसको मिठास देने के लिए, और साथ में हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब इसको ढक के रख देंगे और 10 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमारा बैटर बेक हो चुका है, हमने इसको कढ़ाई से निकाल लिया है और इसको अब हम पनीर की शेप में कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चने की दाल से बना हुआ पनीर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। दोस्तों, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसको मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, एक चुटकी दालचीनी, और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, और साथ में हम डालेंगे इसके 1/2 चम्मच देगी मिर्च, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हमारा रेडी किया हुआ पेस्ट, उसमें थोड़ा सा नमक आपके स्वाद अनुसार, और 1/2 चम्मच हल्दी डालनी है हमें, और 1 कटोरी हमें फिर से दही ऐड करना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें तकरीबन 1/2 लीटर पानी डालना है, क्योंकि जो हमने दाल के जो टुकड़े बनाए हैं, रेडी किए हैं, वो बहुत ज़्यादा पानी सोख लेते हैं और फिर उसके बाद ही वो सॉफ्ट होते हैं। तो याद रखना, आप इसको पानी थोड़ा और ऐड कर सकते हैं अगर आपको 1/2 लीटर कम लगता है, लेकिन पानी इसमें ज़रूर डालिएगा। तो अब हम इसमें सारे टुकड़े डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैंने लिया है शाही पनीर का मसाला, जो मार्केट में अवेलेबल होता है MDH का, तो आप कोई सा भी डाल सकते हो। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे कोकोनट पाउडर, और 1 चम्मच के तकरीबन हमने इसमें चीनी डालनी है, थोड़ा सा हल्का सा मिठास देने के लिए। दोस्तों, रेडी है हमारी ये दाल पनीर बटर मसाला, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे एक बार घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। एंजॉय।